बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मेरी बात के साथ एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये लोग अक्सर कहते हुए पाए गए हैं कि मेरी तो तकदीर ही ख़राब है, मेरे सितारे ही गर्दिश में हैं। आखिर ये तकदीर का चक्कर है क्या? तकदीर किसी की अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है, किसी की नॉर्मल दरमियानी होती है, लेकिन इंसान अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को बेहतर भी कर लेता है और अपनी तकदीर को ख़राब भी कर सकता है। अपने गलत फ़ैसलों की वजह से ख़राब कर सकता है, अपने दुरुस्त फ़ैसलों की वजह से अपने मुकद्दर को भी बेहतर कर सकता है कि मुस्तकबिल के अंदर उसके लिए आसानियां पैदा हों। नाज़रीन, अगर आपको नहीं मालूम आपका जायचा क्या कहता है, इल्म नजूम में तकदीर जो है इसका ताल्लुक़ जो है मुश्तरी के साथ है। मुश्तरी खैर बरकत का सियारा, बेहतरियाँ लेकर आने का सियारा, आसानियों का सियारा। मुश्तरी जहाँ भी जाता है वहाँ आसानियाँ पैदा करता है। आपको नहीं मालूम कि आपका जायचा क्या कहता है, तो आप हर जुमेरात वाले दिन अपना 70 रुपये का सदका ज़रूर निकाला करें, ताकि तकदीर के मामलात रूहानी तौर के ऊपर मुकम्मल तौर पर अल्लाह के कंट्रोल में दें, अल्लाह से तजारत करें। इसके साथ साथ अल्लाह ताला का एक नाम है या मुईदो, 124 दफ़ा आप इसको पढ़ सकते हैं अपनी तकदीर संवारने के लिए, अव्वल आखिर 14-14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और एक नगीना है फिरोज़ा, बड़ा खूबसूरत नगीना, इसको भी लेकर पहना जाता है। लेकिन जब भी किसी नगीने का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि अपना जायचा देखकर, किसी से पूछकर, कंसल्ट करके फिर नगीने का इस्तेमाल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।